देखिए आपने मेरे बेटे को जेल भेज दिया, आपका बेटा वापस आ गया, नहीं आया ना, नहीं केस वापस ले लीजिएगा। अनुपमा और वनराज ने किया अनुज को सपोर्ट। अनुपमा में हुई सोनू के पापा की एंट्री। अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में हम सभी देखेंगे अधिक और तोशु के मना करने के बावजूद भी अनुज आई विटनेस बनने से इनकार नहीं करता है। अनुज अनुपमा और वनराज के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और वहां पर बोलता है कि वो आखिरी सांस तक समर के लिए लड़ेगा। इसके बाद सभी घर वापस आते हैं। डिम्पी अनुज से माफी मांगती है और बोलती है कि उस दिन मैंने गुस्से में जो कुछ भी आपसे कहा वो मेरा इंटेंशन नहीं था, बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि इन सब में आपकी कोई गलती नहीं है। वही तोशु करता है अनुज की इंसल्ट और बोलता है कि किसी बाहर वाले को हमारे घर के मैटर में बोलने की जरूरत नहीं है। अब तोशु के खिलाफ हो जाते हैं वनराज और अनुपमा। अनुपमा तोशु से अनुज के लिए लड़ती है, अनुज को सपोर्ट करती है। साथ ही वनराज ये चीजें डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है कि उसके ही घर वाले उसके लड़ाई में उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और वनराज माइनर हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है। साथ ही शो में होने वाली है सोनू के पापा की एंट्री, जो की है एक पावरफुल पॉलिटिशियन। सोनू अरेस्ट तो हो चुका है लेकिन सोनू के पापा सोनू को बाहर निकालने के लिए चल रहे हैं गंदी चालें। वनराज और सोनू के पापा के बीच में आर्ग्यूमेंट होती है, इसी बीच वनराज सोनू के पापा पर अटैक कर देता है। वनराज के इस हमले का वीडियो बना लिया जाता है और इस वीडियो को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर ये प्रूव हो सकता है कि समर भी ऐसा ही अग्रेसिव था जिसकी वजह से समर की जान चली गई। अभी देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या इस लड़ाई में हो पाएगी अनुज अनुपमा और वनराज की जीत। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर? आप अपना ओपिनियन हमें कॉमेंट के जरिए जरूर बताइए और साथ ही टेलीविजन से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।